सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी अनदर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो पर गाइज आप सभी से मैं बात करने वाला हूँ कि रियल जीपी 24 में अभी रिसेंट एक अपडेट आया, ठीक है। उस रिसेंट अपडेट में हम सब ने ये भी देखा कि कंपनी ने जो है क्विक मैच के लिए एक अपडेट लाया था, फैन मोड। मतलब आप किसी भी टीम को लेके खेल रहे हो तो वो टीम चेंज हो जा रहा है बग्स के कारण, ठीक है। लेकिन गाइज मैं आपको कहना चाहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया का अगर आप टीम को देखोगे ना, तो ऑस्ट्रेलिया टीम का जो लोगो है वो भी चेंज हो गया और ऑस्ट्रेलिया टीम का नाम भी चेंज हो गया, जो कि आरसी ऑस्ट्रेलिया हो गया। इसके साथ साथ जो एसएस टूर्नामेंट है जो ऑस्ट्रेलिया का है उसका भी नाम चेंज हो गया। यानी गाइस आप सब ये भी जानते हो कि कंपनी की तरफ से अभी जो अपडेट आ रहा है, इस अपडेट में रियल फेज रियल लाइसेंस का युग चला रहा है। यानी गाइस मैं आपको कहना चाहूंगा, बोलने का मतलब ये है कि कंपनी जो है हम सभी को लाइसेंस टीम लाइसेंस प्लेयर ला करके दे रही है। मतलब कि प्लेयर्स का रियल फेस, टीम का रियल नाम, टीम का रियल नेम के साथ उसका फेस, उसका जर्सी नंबर, बॉलिंग एक्शन, बैटिंग एक्शन बिल्कुल सेम टू सेम होगा। कंपनी ये चाह रही है और आईपीएल की 3 टीम अभी तक आ ही चुकी है, लेकिन फेस टू का अपडेट दिसंबर में होगा। और अभी इस वक्त में कंपनी ने डायरेक्टली कहा है कि कोई भी लाइसेंस वाला अपडेट अभी नहीं आएगा। यानी हम सबको तो पहला डाउट ये क्लियर हो ही गया। अब गाइस ऑस्ट्रेलिया की टीम के तरफ से, ऑस्ट्रेलिया बोर्ड की तरफ से इस गेम को नोटिफिकेशन आया होगा कि आप हमारे बोर्ड का ऐसे नाम यूज नहीं कर सकते, ऐसे नहीं लोगो यूज कर सकते, ऐसे जर्सी नहीं कर सकते, जो कि हम सभी के लिए बहुत बड़ी बैड न्यूज है। अभी ऑस्ट्रेलिया बोर्ड ने किया है, आने वाले टाइम पर ऐसा ना हो कि क्रिकेट के सभी बोर्ड, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज बोर्ड इस तरीका से नोटिफिकेशन दे दे। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर से गेम वही खराब जैसा हो जाएगा। अभी आप ऑस्ट्रेलिया का जर्सी देखो, एकदम पुराना जैसा लग रहा है, बेकार लग रहा है, जो कि इसके पहले रियल लग रहा था। एक याद करो वो ये टाइम जब RC22 के नाम से जब ये गेम आया था तो बिल्कुल सब रियल जैसा था, लेकिन कुछ कंपनी ने मेल कर दिया, अब फिर हटाना पड़ा। अब बिल्कुल टाइम लगे हम सबको नहीं प्रॉब्लम है, कंपनी हर किसी से रूल लेकर के, परमिशन लेकर के, लिखित परमिशन लेकर के ऐसा करे कि भाई लॉन्ग टर्म तक हम, ऐसा ना हो कि ऑस्ट्रेलिया बोर्ड या फिर BCCI बोर्ड में जो प्रेसिडेंट चेयरमैन लोग जो बैठा है वो अगर चेंज हो जाता है, दूसरा कोई आएगा अपना जो एटीट्यूड पागल सन की होगा कोनो, तो फिर बोलेगा नहीं हटाओ। तो एक बार एग्रीमेंट हो जाना चाहिए कि आप 10 साल तक हमको दो तो दो, ठीक है। और मुझे लगता है ये बिल्कुल पेड रखना चाहिए, क्योंकि कंपनी बहुत पैसा खर्चा करके इतना कुछ कर रही है और जिसे इस चीज का यूज करना है वो भैया पैसा देकर के ही जो है अपना इस चीज को करे, क्योंकि आप समझ सकते हो बहुत ही डिफिकल्ट है। और ये हो जाएगा जब सभी टीम का, इंटरनेशनल हो डोमेस्टिक हो, तो एक बहुत शानदार गेम बन जाएगा, बहुत ही शानदार, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, भारत माता की जय हो।